नमस्कार। आज ये वन लाइनर क्वेश्चन करते हैं ट्रांसफार्मर के, और बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। कल का कुछ पार्ट से आ गया था क्वेश्चन, आने वाले क्वेश्चन है और थोड़ा सा कंफ्यूज भी दूर हो जाएगा इसे। आपका वन लाइनर क्वेश्चन है तो देखो, लेमिनेटेड कोर का क्या फ़ायदा है? लेमिनेटेड कोर क्यों लगाते, क्यों बनाते हैं लेमिनेटेड कोर से ट्रांसफार्मर, क्या फ़ायदा है उसका? उसका फ़ायदा है कोर में एडी करंट लॉस कम करता है। क्या करता है? कोर में एडी करंट लॉस कम करता है, यही फायदा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर जो, ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आपको पढ़ाए नहीं है, और क्वेश्चनों के माध्यम से आप पढ़ भी लोगे और ये इनका आंसर देख लो। क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है। ट्रांसफार्मर का अनुपात से आप क्या समझते हैं? ट्रांसफार्मर का अनुपात होता है भाई ए टू बराबर ए टू बटे ई वन एन टू बटे एन वन बराबर आई वन अपॉन आई टू, बराबर के होता है इनके, ठीक है। वो ट्रांसफार्मर रेशियो होता है के, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर ऑयल क्यों भरा जाता है? उत्तर, इंसुलेशन बढ़ाने, वाइंडिंग को ठंडी करने के लिए। ऑयल क्यों भरा जाता है? इंसुलेशन बढ़ाने के लिए और वाइंडिंग को ठंडी करने, मतलब इंसुलेशन का काम करता है ट्रांसफार्मर का ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में पैदा होने वाले ईएमएफ का सूत्र बताइए। ईएमएफ का सूत्र बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट है ईएमएफ, ये बहुत ज़्यादा बार पूछते हैं। ईएमएफ ई बराबर 4.445 मैक्सिमम एफ एन, फ्रिक्वेंसी नंबर ऑफ टर्न, एन नंबर ऑफ टर्न। और वीडियो अंत तक देखा करो, क्वेश्चन पूरे नहीं देखते हो आप, एक दो क्वेश्चन देख के छोड़ देते हो क्वेश्चनों को। क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन, ऐसी बात थोड़ी है। ट्रांसफार्मर ऑयल के फ्लैश पॉइंट से आप क्या समझते हैं? ट्रांसफार्मर ऑयल के फ्लैश पॉइंट से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, वह तापक्रम जिस पर तेल आग पकड़ लेता है, वह टेम्परेचर जिस पर क्या करता है आग पकड़ ले, वह क्या होता है? ट्रांसफार्मर फ्लैश पॉइंट होता है। ट्रांसफार्मर में ब्रीदर को क्यों फिट किया जाता है? ट्रांसफार्मर को शुष्क हवा देने के लिए, ब्रीदर के माध्यम से क्या करता है, ये श्वास लेता है, ये बोल सकते हैं हम ब्रीदर में। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर के ऊपर कंजर्वेटर क्यों लगाते हैं? बता रखा है क्यों लगाते हैं। कंजर्वेटर क्या करता है? तेल गर्म हो जाता है ट्रांसफार्मर में, तो कंजर्वेटर में तेल चला जाता है प्रसारित होकर, और जैसे ही तेल वापस ठंडा होता है तो क्या होता है, नीचे आ जाता है। जब तेल गर्म होकर फैलता है तो ये उसको जगह दे देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीदर में क्या मटेरियल भरा जाता है? ब्रीदर में देखो, आपके ज़्यादातर आपने ही पढ़ा सिलिका जेल पढ़ा है, सिलिका जेल नीला होता है, कैसा होता कलर? नीला। और जब नमी चली जाती है तो गुलाबी कलर का हो जाता है। आंसर में ये भी आ सकता है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड या सिलिका जेल। अगला क्वेश्चन, आयरन लॉस मालूम करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? आयरन लॉस होता है ना, आयरन लॉस टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्टिंग करते हैं? ट्रांसफार्मर ओपन सर्किट करते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं, क्या करते हैं? ओपन सर्किट करते हैं, ट्रांसफार्मर को ओपन कर देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कॉपर लॉस मालूम करने के लिए, कॉपर लॉस मालूम करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? शॉर्ट सर्किट टेस्ट, जिससे क्या हो जाता है कॉपर लॉस का नुकसान, लॉस होता है, ठीक है। अब बड़ी काम की चीज़ बता रहा हूँ आपको, आपने सुना होगा कि ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई देते हैं जल जाता है, लेकिन आपको ये पूछ लें क्यों जल जाता है, उसका कारण आपको नहीं पता होता। उसका कारण ही आपको बताने के लिए मैं क्वेश्चन लिया है मैंने ये, और इसको मैं बताता हूँ क्यों जल जाता है और क्यों नहीं जलता, क्यों डीसी सप्लाई नहीं देती, एसी पर क्यों काम करता है, ये वही बता रहा हूँ। क्या होता है कि ट्रांसफार्मर, क्या होता है ट्रांसफार्मर को डीसी धारा पर प्रयोग किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता,
क्वेश्चन ये है, अब आंसर देखो इसका। ट्रांसफार्मर को डीसी धारा पर नहीं लगाया जा सकता यदि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को डीसी सप्लाई से जोड़ दें। तो क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स होगा ना वाइंडिंग के अंदर, वो प्रत्यावर्ती प्रकार का नहीं होगा, मतलब घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स नहीं होगा, जिससे जिसे संबंध कर दिया जाए तो कुंडलन में फ्लक्स उत्पन्न होगा लेकिन वह बढ़ेगा घटेगा नहीं बल्कि अपरिवर्तित रहेगा तथा इसी कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई विद्युत वाहगोल प्रेरित नहीं होगा। सप्लाई का स्विच खोलते समय थोड़ी सी देर के अलावा इस प्रकार डीसी धारा वोल्टेज का ट्रांसफार्मर की सहायता से घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। इसके विपरीत ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई से जोड़ने पर नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा करने से ट्रांसफार्मर प्राइमरी वाइंडिंग को पक्ष कमी लेगिंग विद्युत वाहगोल प्रेरित होता है जिसके कारण प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई अधिक मात्रा में धारा लेकर गर्म होकर वाइंडिंग जल जाएगी, इसका कारण है। आप बोलते हो कि डीसी सप्लाई क्यों नहीं देते, डीसी सप्लाई इसलिए नहीं देते क्योंकि वाइंडिंग जल जाती है, कारण आपके सामने क्यों जल जाती है। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का निर्धारण। सदैव ट्रांसफार्मर का निर्धारण रेटिंग केवल केवीए वोल्ट एम्पियर में लिखा जाता है, क्यों, जबकि मोटर को केडब्ल्यू या एचवी में लिखते हैं, कारण क्या है। कारण यह है, इसका कारण यह है कि ट्रांसफार्मर की शक्ति पावर फैक्टर होता है वो सदैव उस मशीन या अन्य लोड पर होता है। ट्रांसफार्मर का जो लोड लगाते हैं वो अपने घरों में या और दूसरे पर डिपेंड करता है, जबकि मोटर का जो लोड होता है वो क्या होता है, मोटर खुद भी डिपेंड होता है। जबकि इंडक्शन मोटर का निर्धारण सदैव के डब्ल्यू या एच पी में लिखा जाता है, क्योंकि इस शक्ति गुणक समय उनके अपने लोड पर निर्भर करता है। समझ में आई बात। तो ये वीडियो इतना छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं, मैंने दो क्वेश्चन ये बड़े वाले क्वेश्चनों को समझाने के लिए ये वीडियो बनाया, और वन लाइनर क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है, देख लेना एग्ज़ाम में आते हैं। और वीडियो को देखो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो और पूरा देखो। धन्यवाद।